Hey parents, what's up? I'm Rahul and it's Funky Techie Rahul. Let's start it. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्ड ड्राइव और SSD के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने जाओ तो आप सोच रहे होगे एक 128 और 256 SSD वाला कंप्यूटर खरीदूं और एक 2 TB हार्ड ड्राइव वाला कंप्यूटर खरीदो, तो कौन सा खरीदना सही होगा। तो दोस्तों आगे देखते रहिए इस वीडियो में, मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव के बारे में। तो दोस्तों एक ट्रेडिशनल स्टोरेज यूनिट है जो हम बहुत बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, शायद ज़्यादातर लोग अभी भी ये हार्ड ड्राइव ही यूज़ करता है। तो ये क्या है? तो हार्ड ड्राइव एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर एक रिवॉल्विंग हेड होता है जो बहुत तेज़ी से रिवॉल्व करता है। कितना तेज़ी से रिवॉल्व करेगा वो आपका हार्ड ड्राइव का RPM के ऊपर निर्भर करता है। आप सुना ही होगा हार्ड ड्राइव बहुत सारा RPM में आता है, कभी कभी 7200 RPM और उससे भी ज़्यादा कुछ। तो कितना RPM आपका हार्ड ड्राइव में है तो इसके हिसाब से ये रिवॉल्व करता है और उसके अंदर बहुत सारे प्लेटर्स होता है, उसके एक्रॉस डाटा स्टोर करता है जाता है। तो यही था एक हार्ड ड्राइव का कॉन्सेप्ट। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बात करें तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा चीप है, आपको 1500 रुपये में 500 GB का ऐसा हार्ड ड्राइव इजिली मिल जाएगा अभी। सेकेंड जो है वो है ये ट्रेडिशनल स्टोरेज यूनिट है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करता है। थर्ड जो है वो है इजिली बहुत बड़ा स्टोरेज के साथ आपको मिल जाता है, आप अभी चाहे तो 8 TB 16 TB के हार्ड ड्राइव भी ले सकते हैं। तो अभी हार्ड ड्राइव बहुत ज़्यादा स्टोरेज के साथ आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। फोर्थ जो है वो है इजीली अवेलेबल, आप जहाँ भी जाए हार्ड ड्राइव को मिल जाएगा कुछ इस तरह। अभी तो फंकेटी के राहुल का हार्ड ड्राइव का वीडियो भी मैंने देख लिया, तो उसने तो वीडियो में कहा कहीं भी हार्ड ड्राइव मिल जाता है तो चलो एक हार्ड ड्राइव भी खरीद लिया जाए। मेरा भी कंप्यूटर की स्टोरेज थोड़ा कम हो रहा है तो एक हार्ड ड्राइव भी खरीद लेते हूँ, तो चलो हार्ड ड्राइव खरीदते हैं, तो शायद यहाँ पर हार्ड ड्राइव मिल जाएगा। हाँ हाँ यहाँ पर तो ज़रूर से मिल जाएगा, उसने तो कहा कहाँ भी मिल जाएगा, तो घर के पास में तो यही है, तो चलो यहाँ पर ही जाते हैं। ओके चलो चलो जाते हैं। साहब आलू पटल भिंडी गाजर क्या लेना है वो बताओ, प्याज लहसुन सब है मेरे पास, क्या लेना है वो बताओ। नहीं नहीं मुझे तो वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो हार्ड डिस्क चाहिए। ये हार्ड डिस्क क्या होता है? पहले तो कभी नहीं सुना ये नाम, क्या क्या सब बोल रहा हो, क्या तुम्हें हार्ड डिस्क नहीं पता? हार्ड डिस्क इतना सा बड़ा सा होता है, थोड़ा बल्कि होता है। वो सब छोड़ो, कौन सा सब्जी लेना है ये बताओ पहले। नहीं नहीं मुझे सब्जी नहीं लेना, मुझे हार्ड डिस्क से लेना है। साहब आप जो सब बोल रहे हो ना वो यहाँ पर नहीं मिलता, इसमें से कोई सब्जी लेना हो तो वो बताओ, समझ गए? क्यों मैंने फंकी के राहुल का वीडियो जो देखा था वहाँ पर तो राहुल बोला था ना जो जहाँ भी जाओ आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है सारे प्लेस में। साहब फंकी के राहुल को चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं मैंने तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अभी तक नहीं किया तो अभी करो, पहले करो फिर बात करते हूँ आपसे। अभी कर लो सब्सक्राइब। ठीक है मैं करता हूँ, पहले करो फिर आपसे बात करता हूँ, और आप सब लोग आप भी करो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फंकी टेकी राहुल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर डोंट मिस एनी काइंड ऑफ लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स एंड इट्स फ्री। हाँ अब तो सब्सक्राइब कर लिया ना अभी तो ठीक है, फिर रुको देखता हूँ कुछ जुगाड़ करता हूँ। रुको देखता हूँ कहाँ गया। मिल गया अभी। हेलो साहब पहले बता देते, फंकी टेकी राहुल ने बोला था तो इतना देर लगता ही नहीं। हेलो दो ये हार्ड ड्राइव मिल गया। जैसे कि आपने देखा फंकी टेकी राहुल ने बोला था अभी हार्ड ड्राइव इजीली अवेलेबल है, तो मुझे हार्ड ड्राइव मिल गया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अब जाके इसको इंस्टॉल करता हूँ, तब तक आप भी पूरा वीडियो देख लो, बाय बाय। तो दोस्तों मेरा भाइयंस कैसा लगा? अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है
क्योंकि एक मैकेनिकल डिवाइस है तो डाटा लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है आपका। अगर आपका हार्ड ड्राइव गिर जाए तो ये नष्ट हो सकता है। इतना सारा डिसएडवांटेज इसका है, क्योंकि ये बहुत बल्कि सा डिवाइस है और मैकेनिकल मूविंग पार्ट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपका पावर कंज्यूम करता है। थर्ड जो है, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो शायद 10-12 साल आपके इसको ठीक ठाक काम करे, और इतना भी ज़्यादा लाइफ टाइम इसका नहीं होता। तो यही था कुछ हार्ड ड्राइव का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो दोस्तों अब बात करते हैं SSD के बारे में। तो SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सॉलिड स्टेट मतलब तो आप जानते ही हो गए, मतलब ये एक सॉलिड चीज़ है, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल डिवाइस और मैकेनिकल चीज़ नहीं है। बेसिकली इसके अंदर फ्लैश जंक है, यानी कि फ्लैश स्टोरेज यूनिट है। फ्लैश के ऊपर निर्भर करके SSD को मेनली बनाया जाता है। कंप्यूटर का रैम जैसा है ना, वो जिस तरह बनता है, SSD भी आप समझ सकते हैं कुछ उसी तरह बनता है। मतलब सेमीकंडक्टर के बेस में SSD को बनाया जाता है, एक फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। इतना ही आप समझ लो इस वीडियो में फ्लैश क्या है, ये आपको एक अगली वीडियो में मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अब SSD का भी बहुत सारा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है SSD। कुछ भी डाटा इसके अंदर रीड और राइट करो तो स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है। सेकंड जो है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, इसलिए बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। थर्ड जो है वो है इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि आप अगर हाथ से फेंक दो कुछ इस तरह तो डाटा लॉस होने का चांस बहुत कम होता है। फोर्थ जो है वो है बहुत लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होता है SSD का, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, इसलिए लाइफ बहुत ज़्यादा होता है इसका। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। SSD एक बहुत नया टेक्नोलॉजी है, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है प्राइस। प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप मान लो एक 2 TB का हार्ड ड्राइव आपको जिस दाम में खरीदने को मिलेगा, एक 128 GB का SSD उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो आप समझ लो कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है SSD। सेकेंड जो है वो है इसका स्टोरेज उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता। मैंने जैसा बताया था, हार्ड ड्राइव आपको 16 TB का भी मिल सकता है, आपको 1 TB के SSD भी शायद उतना ईजिली ना मिले। तो समझ सकते हैं SSD कितना लेस स्टोरेज होता है। आपको मार्केट में 128, 256 और 512 GB का SSD ईजिली मिल जाएगा, बट 1 TB का मिलना भी अभी बहुत मुश्किल होता है। 2 TB, 4 TB है तो भूल ही जाओ। थर्ड जो है वो है SSD इतना कॉस्टली होने के कारण आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो आपको ऑनलाइन से ही शायद परचेस करना पड़ जाए। अब बात करते हैं, अगर आप नया कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने जाए और अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को अपग्रेड करने के सोच रहे हो तो क्या करें। तो दोस्तों आप एक 128 GB और 256 GB का SSD वाला कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदो, या फिर SSD में आपका कंप्यूटर और लैपटॉप को अपग्रेड कर लो। इससे क्या होगा, आपके प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीद लो, इसके अंदर आप मीडिया फाइल्स को स्टोर कर लो। इससे आप जब चाहे मीडिया आपको प्ले करना होगा तब आप हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके उसको प्ले कर लेना, और इससे आपका प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। SSD का प्रोसेसिंग पावर एक हार्ड ड्राइव के प्रोसेसिंग पावर से 10 times एक्स्ट्रा होता है। इससे आपका प्रोसेसिंग पावर भी अच्छा हो जाएगा और आपके कंप्यूटर भी बहुत फास्ट हो जाएगा। अब एक नया कंसेप्ट आया है, वो भी मैं इस वीडियो में बता ही देता हूँ, वो है SSHD। तो SSHD क्या है? SSHD के अंदर एक हार्ड ड्राइव और एक SSD जो लेस स्टोरेज के अंदर होता है उसको एक साथ एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। तो मान लो SSD है 1 GB का या 16 GB का और हार्ड ड्राइव है 1 TB और 2 TB का। तो SSD के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपका मेन प्रोसेसिंग का काम है वो वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। इससे आपका कंप्यूटर बहुत तेज़ी से बूट हो सकता है और आपका बहुत सारा प्रोसेसिंग स्पीड भी होता है। इससे कोई कंप्यूटर हैंग होने की संभावना बहुत कम होता है। तो यही है एक SSHD का कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है। एक मैंने जो कहा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, वो एक्सटर्नल की या अलावा इंटरनल होगा, यही था कॉन्सेप्ट। दिमाग कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दोस्तों आप तो अब समझ ही गया होगा एक SSD और एक हार्ड ड्राइव के बीच में अंतर क्या है, क्या आपको खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना,
शेयर कर देना आपके फ्रेंड के साथ, उसको भी शायद नहीं पता होगा और वो भी एक कंप्यूटर खरीदने के समय एक हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की खरीद ले। तो प्लीज़ शेयर कर देना यार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, फ्री है यार, कर दो ना, इतना भी क्या है, 50 सब्सक्राइबर के अंदर मैं गिवअवे अनाउंस कर दूंगा, तो प्लीज़ कर दो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी यूट्यूब में चैनल है क्रेजी बॉय नाम का, तो उसने भी एक SSD के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेसिकली बाइंस है, तो आप अगर चाहो तो जाके देख सकते हो। थैंक यू।